अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप काइन मास्टर में किस तरह से जमील नूरीन स्लीक फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्क्रीन में देखा कि किस तरह से ये लिखा हुआ है, यही फॉन्ट आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने गूगल में जाना है, दो चीज़ें हमें दरकार हैं। गूगल में जाने के बाद आपने लिखना है जमील नूरीन स्लीक फॉन्ट PDF। ये लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, थोड़ा सा नट स्लो हो गया। तो यहाँ पर ये दूसरा पेज है तकरीबन फ्री डाउनलोड फॉन्ट एडिक्ट वाला, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। तकरीबन 10 से 11 MB का है, तो मैं जो डाउनलोडिंग है वो स्किप करता जाऊँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक स्टेप को देखना है, वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो ये डाउनलोड हो गया है नंबर दो। फिर आपने गूगल में जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है APK एडिटर, ये भी तकरीबन 6 MB का है, इसे डाउनलोड कर लेना है। ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर आपने लिखना है सिलेक्ट APK। तो मेरे पास ये काइन मास्टर पहले से इंस्टॉल हुआ खड़ा है, इसलिए यहाँ पर आ गया है। तो मैं सिंपल एडिट पर क्लिक करता हूँ। आपने सिंपल एडिट पर क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। आपने यहाँ पर असिस्ट जो है, ये दूसरा फोल्डर है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने ये जो TTF का, ये सारे ये भी फॉन्ट्स हैं, ये दो तीन खड़े हैं TTF के, तो आपने ये जो पहला है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले पे B1 TTF जो है, इस पे एडिट क्लिक करें। ये साथ में जो पेंसिल का निशान है, और जब पेंसिल पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ यूँ खुलेगा। अब जब जो आपने TTF जमील नूरीन स्लीक जो फाइल थी जहाँ पर आपने डाउनलोड की, उसे यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ फॉन्ट में खड़े डाउनलोड की थी, ये आप नीचे आ जाएं, ये फॉन्ट पे ये फाइल मौजूद है TTF की, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है ऊपर। तो ये मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने इसे सेव कर देना है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, एक दो मिनट लगेंगे ये वर्किंग, ऐसे करते रहेगा, इसके बाद सेव हो जाएगा काइन मास्टर। अब आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है और इसे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ये स्टेटस पे उर्दू लिखता हूँ। ये उर्दू पहले से लिखी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं इसका कुछ जो राइटिंग है, शेप है, वो अजीब सी है। तो यहाँ पर जो आपने B1 पे क्लिक किया था, यहाँ लेटन के बाद ये पहला जो ऑप्शन है B1, इस पे क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से खुलता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जमील नूरीन स्लीक का इसकी शेप बन चुकी है, इसका फॉन्ट तब्दील हो चुका है। तो इसी तरह से मैं एक और टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके लिए आपको ऊपर जो AA का ऑप्शन है, यहाँ पे फिर क्लिक करें, और इसके बाद लैटिन पे और B1। अब आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी ये सारा कुछ तैयार हो चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि कुछ टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो इसी तरह से मैं जो भी आपने शायरी लिखनी है, सब का आपने ये फॉन्ट तब्दील करते जाना है, और अपने खूबसूरत शायरी स्टेटस वगैरह बना सकते हैं। लो जी, ये तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।